आप रैली में कितने लोगों को ले गए थे? 300 प्लस के करीब में कैंपर। आप रैली में कितने लोगों को ले गए? 300 प्लस के। 300 प्लस। आप कितने लोगों को ले गए थे? भाई 300 प्लस। सब लोगों को 300 का टारगेट लग रहा था, मिल रहा था रैली में। चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती थी या योगी आदित्यनाथ की रैली होती थी, तो रैलियों में लेके जाने वाले लोग यही थे, भीड़ इकट्ठा करने वाले मुख्य लोग जो होते हैं यही थे। इन लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग रैली में लेके गई थी? 300 यहाँ टारगेट दी गई थी। 300 का टारगेट मिला था। आप कितने रैली में लेके गई थी? जी 300। आप कितने में लेके गई थी? 300। प्रदेश सरकार ने धोखा दिया? बिल्कुल दिया है। आपको प्रदेश सरकार ने धोखा दिया है? बिल्कुल। आपको भी प्रदेश सरकार ने धोखा दिया? जी सर बिल्कुल। आपको प्रदेश सरकार ने धोखा दिया? बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी प्रदेश सरकार ने धोखा दिया था? बिल्कुल मिला। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4,500 लोगों को धोखा दिया है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। ये 4,500 लोग वो हैं जो ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए काम करते हैं। इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है, इनके साथ धोखा किया जा रहा है, इन्हें जो बता के लाया गया था वो इनके साथ पूर्ति नहीं की जा रही है। ये तमाम बातें ये लोग कह रहे हैं। 12 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के पीछे इनका परिवार भी बैठा होगा, वो परिवार जो इस आस में रहता है कि हर महीने की पहली तारीख को अगर कुछ तनख्वाह आएगी तो घर से काम मिलेगा, घर से कुछ चीज़ें खरीदी जाएंगी, काम किया जाएगा। लेकिन ये पूरा परिवार, 4500 लोगों का परिवार, हर ज़िले में कहीं ना कहीं पे धरने पे बैठा हुआ है। ये सब बातें मैं सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल। आप लोग धरने पे कब से हैं? 12 तारीख से, 12 सितंबर 2022 से ही हम लोग धरने पे। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की मांगे हैं जो हमारी HR पॉलिसी बनाई गई थी 2015 में, जो हमारे ऊपर लागू की गई कागजों में, वो धरातल पे आए और हम लोग को वो लाभ प्राप्त हो। हाँ, क्या करती हैं मैडम आप? जी मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ और मैं यहाँ 12 तारीख से यहाँ धरने पे हूँ। जो कि हमारे यहाँ जो वैकेंसी निकली थी उस टाइम ये बताया गया था कि आपको पहले तो संविदा के तौर पे रखा गया है, उसमें सारे लोग अपने अच्छे खासे जॉब छोड़ के आए हैं। वहाँ पे HR पॉलिसी में इतनी लंबी चौड़ी दिखा दी गई थी लिस्ट, जैसे हमारी TA है 7% से 15% तक इंक्रीमेंट हर साल आपका लागू होगा। हमारी सब कुछ नहीं किया गया, धोखा दिया गया आपको। जी, बिल्कुल। और अभी उसी तनख्वाह पर आप आश्रित हैं जिस तनख्वाह पे आपको लाया गया था। कुछ बढ़ाया गया नहीं जा रहा है, घटाया नहीं जा रहा है? अभी जो हमारी स्टार्टिंग थी उतने पे ही है, और जो हमारी TA लागू थी, TA DA, वो भी हमारा खत्म कर दिया गया। यहाँ पे लोगों का बढ़ता है, हमारा घटाया जा रहा है। जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इनकी चीज़ें घटाई जा रही हैं। आपके साथ भी यही समस्या है? कब ज्वाइन किया था आपने? 2021 जनवरी में। जनवरी में तनख्वाह नहीं बढ़ी अभी तक? नहीं। हाँ, कैसे काम चलता है? भगवान भरोसे। हाँ, ये लोग धरना कर रहे हैं और धरना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नौकरी करने आ रहे हैं। गांधी जी इसी तरह बहिष्कार किया करते थे कि काम अपने घर पे करेंगे, यहाँ करेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे। यही काम ये लोग भी कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं ना? जी, जी। मुझे आपसे सूचना प्राप्त हुई है। आप बताइए भाई साहब कि क्या समस्या आ रही है आपको? सर हमारी समस्या ये है कि जो हमारा जो हमको कमिट किया गया कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, जो आपका FLTA है, जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेज है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हमको लैपटॉप भत्ता मिलेगा, ये सारी चीज़ों के लिए एकदम से इसको मना किया जा रहा है। इवन कि जो इंक्रीमेंट है, जो जो हम लोग जिस पैकेज पे ज्वाइन किए आज तक उसी पैकेज पे हैं, खर्चे सबके आसमान पे जाते जा रहे हैं, महंगाई किस दर से बढ़ रही है ये हम सब देख रहे हैं, मगर इसकी कोई सुनवाई और इसका कोई कंसिडरेशन ना करते हुए सेम सैलरी पे रहने को बाध्य किया जा रहा है। और जब कभी भी हम अपनी मांग रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा आके फ्रंट पे ऑन कैमरा ये कमिट किया जाता है कि आप हकदार हैं और आपको एकदम मिलना चाहिए, मगर उसके बाद भी ये चीज़ को कंसिडर ना करते हुए 9 महीने के बीच में एक बार भी ना उन्होंने इस चीज़ का जायजा लिया, ना ही हमारा कोई इंक्रीमेंट आया। अच्छा दोस्तों एक बात और, जबरदस्त आदमी हैं ये लोग। ये लोग वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जब चुनाव चलता है और उसमें जो भीड़ जाती है, ये लोग ही भीड़ जुटाते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, एकदम। हमने कितनी सारी ऐसी रैलियाँ हुई हैं जिसमें हमने इस महिलाओं को लेके गए, हम लोग इलाहाबाद तक लेके महिलाएं गए। कहीं पर भी कोई भी ऐसा छोटी मोटी जनसभा होती है तो उसमें महिलाओं को ले जाने के लिए बोला जाता है, जो कि सब कुछ हम लोग करते हैं। इलाहाबाद कितनी रैली में आप कितने लोगों को लेके गए थे? सर इलाहाबाद जब हम लोग गए थे करीबन 300 महिलाएं मैं लेके गया था। आप रैली में कितने लोगों को ले गए थे? 300 प्लस के
करीब में कैंपर। आप रैली में कितने लोगों को ले गए? 300 प्लस के। 300 प्लस। आप कितने लोगों को ले गए थे भाई? 300 प्लस। सब लोगों को 300 का टारगेट लग रहा था, मिल रहा था रैली में। चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती थी या योगी आदित्यनाथ की रैली होती थी, तो रैलियों में लेके जाने वाले लोग यही थे, भीड़ इकट्ठा करने वाले मुख्य लोग जो होते हैं यही थे। इन लोगों से पूछता हूँ, कितने लोग रैली में लेके गई थी? 300 यहाँ टारगेट दी गई थी। 300 का टारगेट मिला था। आप कितने रैली में लेके गई थी? जी 300। आप कितने में लेके गई थी? 300 लोगों को रैलियों में। अच्छा, रैलियों में ले जाने के बाद कुछ पैसा, कुछ खाने पीने, उन सारे के इंतजाम कौन करता है? ये सारी चीजें हम लोग के थ्रू द्वारा ही की जाती है। वीडियोस हमारे सहयोग करते हैं इसमें, बसेस बुक कराना, ये सारी चीजें, और उनको रास्ते में ले जाते वक्त थोड़ा बहुत जलपान की भी व्यवस्था की जाती है, ऐसा नहीं है जी। रैलियों में जाते हैं लोग, सरकारें की रैलियां हो जाती हैं, सरकार बन जाती है, लेकिन लेके जाने वाले लोग जो कड़ी मेहनत से गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर लेके जाते हैं, और हो सकता है कि उन रैलियों के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ की बात सुनने के बाद वो लोग वोट भी देते हैं, सरकार भी बन गई, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। लेकिन इनके घर में उतना पैसा नहीं जा रहा है जिससे इनका घर चल सके, उतना रुपया नहीं दिया जा रहा है जिससे ठीक से दाल रोटी की व्यवस्था की जा सके। झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सत्य सर। कितना पैसा मिल जाता है आपको? सैलरी सर 25 है। पहले हम लोगों की 6,000 से 9,000 के बीच FLTA वगैरह चीज़ें मिलती थी। और कितनी अपेक्षा होनी इस समय, कितनी अपेक्षा होनी चाहिए? 7 से 15% एनुअल इंक्रीमेंट, जो कि हम लोग मिनिमम डिमांड करते हैं 7%। इवन हम लोगों के लैपटॉप भत्ता, हम लोग खुद ही लैपटॉप यूज करते हैं घर का ले जाके, सो उसकी बैटरी हो गई, उसका एंटीवायरस हो गया, कभी कुछ अन्य दिक्कतें आ गई, स्क्रीन चली गई, उसका पैसा हम लोग अपने पास से लगाते, इस चीज़ के लिए हमें 2,000 मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा। सारे भत्तों को खत्म कर दिया गया है, सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया है, तुमको एक रुपया दे रहे हैं, इसी में काम करना हो करो, वरना बाय बाय टाटा। यही कारण है कि 4,500 वो लोग जो प्रधानमंत्री मोदी के और योगी आदित्यनाथ के थे, उनकी रैलियों की शोभा बढ़ाया करते थे, आज वो धरने पे बैठे हुए हैं, और ऊपर लिखा हुआ है, दिखाइए, ऊपर लिखा हुआ है हमारा शोषण बंद करो। ठीक है, यह राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, और उसके आगे केंद्र लिखना था शायद, अच्छा 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 कुछ और, हाँ अच्छा, समस्त लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार, प्रदेश व्यापी हड़ताल। अब ये समझने की कोशिश करिए कि ये लोग जो हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, रैलियों का समय था तो सब कुछ ठीक था, और उसके बाद से इन पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, काम करने की जगह ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने घर पे रहते, बच्चों के साथ रहते, परिवार के साथ रहते, लेकिन सरकार के तानाशाही रवैये के कारण मजबूर हैं एक खुले आसमान में धरना देने के लिए। आज त्यौहार चल रहा है लेकिन ये लोग धरना दे रहे हैं, और धरने का मूलभूत कारण है कि आर्थिक व्यवस्था जो है वो इनकी सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, सरकार की तरफ से धोखा दिया जा रहा है। नहीं मांगे नहीं, मुझे आपके माध्यम से ये बताना है कि हम लोगों को जो लाया गया था एक बहुत अच्छी पॉलिसी के तहत लाया गया था, और बिल्कुल हमारे साथ धोखा हुआ। ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए, अगर छासंग चौराहा से कोई ऑटो ड्राइवर आपको लेके जाता है नौशढ़ और कहता है 50 रुपया किराया है, और वहाँ पर उतर के आप उसको 20 रुपया देने लगे, बिल्कुल उसी तरह का हमारी जो पॉलिसी है उसके अंदर में 7 से 15% का वृद्धि है, इसके बाद में लैपटॉप का भत्ता है, मोबाइल का भत्ता है, इसके बाद में इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, बच्चों का लर्निंग 1500 रुपये फीस है, तो कुल मिला के अगर इसको जोड़ दिया जाए तो हम सैलरी जब ज्वाइन किए थे तो 32,000 रुपया थी। कुछ दिनों के लिए हम लोगों के 6 से लेकर 8,000 तक ये FLTA और सारे तरह के भत्ते भी मिले, लेकिन वो भी सुनियोजित तरीके से काट लिए गए। स्थिति ये थी कि जो सैलरी हमारी 32,000 थी जब हम 2018 में ज्वाइन किए थे, अब हम 2022 में हमारी सैलरी 25,000 है, तो बहुत 7,000 का नुकसान हुआ और बहुत दुखद है। सरकार ने जो भी वायदा हमारे साथ किया था अपने वायदे से पीछे ही नहीं हट गई, बल्कि हम लोग अगर सामने आके फ्रंट पे उनके मांगे कर रहे हैं तो हमारे सामने भी आके ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज़ आपको देंगे कि नहीं देंगे। ये बिल्कुल धोखा, जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया है, बिल्कुल बहुत ही गहराई से और सुनियोजित तरीके से धोखा किया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर कट उनको पॉलिसी लाना चाहिए थे, सबसे पहले संविदा पे लाए हम लोगों को, फिर आउटसोर्सिंग पे लेके गए, हम लोग आउटसोर्सिंग का संगठन भी बना लिए और मान लिए कि हम लोग आउटसोर्सिंग पे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अपने कमिटमेंट पे आना चाहिए कि आप अगर इंक्रीमेंट दे रहे हैं तो इंक्रीमेंट दीजिए, और जब तक इंक्रीमेंट नहीं देंगे हम लोग वापस होने वाले नहीं है। हमारे FLTA, हमारा जो है इंश्योरेंस, सारी तरह के जो
भत्ते हैं उसे वापस करें, और 2015 से लेके जो हमने वापस किया और पॉलिसी रिटर्न पॉलिसी है जिसपे हमारे एपीसी महोदय ने, हमारे एमडी महोदय ने, हमारे एसीएस महोदय ने, सारे लोगों का साइंड है, बहुत पुख्ता है, कोई ऐसी चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। अब इस संगठन ने अपने से एक भी मांग नहीं जोड़ा है, जो इन्होंने कहा है उसे ही मांग रहे हैं। हम इनके वायदे को याद इनको दिला रहे हैं, लेकिन ये शासन है, हमारे पदाधिकारी ये सारे लोग कान में रूई डाल के सोए हुए हैं। हमारी मांग उनके तक पहुँच नहीं पा रही है। हमारा आपसे, मीडिया से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे नेताओं से सबसे अनुरोध है कि हमारी मांगों को वहाँ तक पहुँचाएँ। ये बहुत दुखद है कि इस देश के जो, इस प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री हैं श्री केशव प्रसाद मौर्या जी, उन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर जवाब दिया कि ये लोग संविदा कर्मचारी नहीं है, इन पे जो है इंक्रीमेंट लागू नहीं होता है, संविदा कर्मचारी है, इन पे इंक्रीमेंट लागू नहीं होता है। जब देना होता तो हम संविदा कर्मचारी हो जाते हैं, जब लेना होता तो हम आउटसोर्सिंग हो जाते हैं। सरकार की हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है बिल्कुल सौतेलापन व्यवहार है, और इस व्यवहार से हम लोग बहुत ही गहराई से दुखी हैं। और आपसे अनुरोध है, हम सभी संगठन का अनुरोध है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ हैं, हम लोग इस धरना से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी सारी मांगों को मांग नहीं लिया जाएगा। कुल मिला जुला के सरकार ने धोखा दे दिया, बिल्कुल धोखा दिया, और सुनियोजित तरीके से धोखा दे रहा है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी धोखा दे रहे हैं, जो अब हम यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे साथ दे रहे हैं, कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर से भी लोग साथ दे रहे हैं, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा। हमारा धरना आज 20 दिन 22 दिन 25 दिन चला है, इस वजह से चला है कि हमें हटाने के लिए उनके पास कोई भी वाजिब कारण नहीं है। अगर उनके पास कोई वाजिब कारण होता तो निश्चित रूप से हम लोगों को यहाँ से उठा के फेंक देते, लेकिन उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने वायदा किया और उन्होंने वायदा फरामोशी वही कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज भी काम पे, कल चले जाएंगे। आज सरकार कहे कि हमने जो आपको 2015 में कहा है वो सब देने जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे। एक दिन कह रहे हैं हम वृद्धि दे देंगे, एक दिन कह रहे हैं हम एरिया, सरकार अपनी बात मान ले तो वापस चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा दिया है। और जिस तरीके से आज ऐसा स्थिति हो गया हम लोग के साथ कि हम अपनी मांगों को लेकर के कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैंने ये मांग उठाया, पूरे 4500 परिवार हटा दिया गया, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया, मुझे फोन आता है एक दिन पहले पूरे प्रदेश को धरने से वापस करिए अन्यथा आपको टर्मिनेट कर देंगे। दूसरे दिन मेरे हाथ में टर्मिनेशन ऑर्डर मिल जाता है। अध्यक्ष जी को टर्मिनेट करना एक सांकेतिक कुठाराघात था हमारे ऊपर कि इससे सारे ब्लॉक मैनेजर, डीएमएम सारे पीछे हट जाएंगे, लेकिन एक हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक एक बीएमएम बर्खास्त होने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारी मांगे चाहिए। अगर मांगे नहीं जाएगी तो हम सरकार के लिए काम नहीं करेंगे, घर वापस जाएंगे, सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने धोखा दिया, बिल्कुल दिया है आपको प्रदेश सरकार ने, एकदम अपने वायदे से वो मुकर रही है, इसका मतलब धोखा है आपको भी प्रदेश सरकार ने, एकदम पूरा सर आपको प्रदेश सरकार ने धोखा दिया, एकदम धोखा दिया आपको भी प्रदेश सरकार ने, धोखा दिया, धोखा आपको मिला है प्रदेश सरकार से? जी हमको भी धोखा, इसी नाते मैं सबसे पूछ ले रहा हूँ कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, आपको प्रदेश सरकार से धोखा मिला है? जी बिल्कुल मिला है। और यहाँ जितने भी यहाँ पे ब्लॉक मिशन मैनेजर या डीएमएम खड़े हैं, ये कोई भी कोई बीटेक किया हुआ है, किसी ने एमसीए किया, किसी ने एमबीए किया हुआ है, मतलब ये काफी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के, इवन मैं, हम लोग भी जहाँ से छोड़ के आए हैं अगर आज वहीं पर रहते तो हमारी यहाँ से अच्छी स्थिति होती, लेकिन हम वो एक घर का एक होम सिकनेस कह लीजिए या एक अच्छी सिक्योरिटी जॉब देख के यहाँ पे आए, लेकिन उसके बाद भी जो चीज़ हमें मिलना चाहिए था और वो चीज़ हमें नहीं मिला। और मतलब आप कहीं भी रहते हैं, इवन आप भी अगर आप काम करते हैं तो आपको भी एक उम्मीद होती है कि हमें भी अच्छी एक लाइफस्टाइल मिले, एक स्टेबल नौकरी रहे, क्योंकि सबको एक भाई अच्छी जीवनी चलाने के लिए एक अच्छा पैसा चाहिए। बट यहाँ पे सीधा उसका उल्टा है कि आपका जो भी कुल मिला जुला के प्रदेश सरकार, मेरा एक सवाल है सबसे कि प्रदेश सरकार ने आप लोगों को धोखा दिया, ये सारे लोग मान रहे हैं प्रदेश सरकार ने धोखा दिया? बिल्कुल दिया। आपको प्रदेश सरकार ने धोखा दिया है? बिल्कुल। आपको भी प्रदेश सरकार ने धोखा दिया? जी सर बिल्कुल। आपको प्रदेश सरकार ने धोखा दिया? बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी प्रदेश सरकार ने धोखा दिया था? बिल्कुल मिला। ये लोग प्रदेश सरकार को कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने धोखा दिया है, जो कहा था वो किया नहीं है। और एक बार फिर से बता दूं, ये वही लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की रैली में शोभा बढ़ाते हैं, भीड़ को ले जाते हैं, इकट्ठा करते हैं लोगों को, जो समूह इन्होंने बनाया हुआ है उन महिलाओं को ले जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और योगी की बात सुनवाते हैं। लेकिन ये सारे 4500 लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, 4500 लोग, क्योंकि प्रदेश, हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर जिले में इस तरह की भीड़ है। और ये भीड़ सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही है कि इन्हें इनका वाजिब पैसा नहीं मिल रहा है, इनके साथ धोखा किया गया है, इन्हें पैसा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि कुछ अफसर गलत कर रहे हैं, सरकार में बैठे कुछ लोग गलत कर रहे हैं और शायद जो व्यवस्थाएं हैं वो गलत कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप भी अगर कहीं ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र के हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।